हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम एक दिन गए थे पटना के सिटी सेंट्रल मॉल के इस टाइम जोन एरिया में, मतलब कि ये टाइम जोन एरिया गेम जोन एरिया, और ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि क्या ही बताओ। बच्चे हो या बड़े हो या कोई भी, इसमें एक बार इंटर झुक कर जाए बाहर निकलने का 1% भी मूड नहीं करता यार। मतलब क्या कहूँ मैं, जब मैं गई इतने ज़्यादा, मतलब बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बड़े एंजॉय कर रहे थे, इतने सारे वराइटीज़ की गेम थी। ये शॉप सेंटर था जहाँ से पॉइंट्स कलेक्ट करने थे गेम से, और फिर ये शॉप सेंटर से कुछ कुछ जो भी हो बाई कर लेने थे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये बच्चे जो, तो ये दोनों अपना पहला गेम खेलने गए। बात ये होती है कि हमें ये कार्ड मिला होता है, इसका वैल्यू शायद 600 या 700 के लगभग में ये मिला था हमें। उसके बाद ये 600-700 का था, और हर गेम का अलग अलग प्राइस था, किसी का 50 था, किसी का 100 था, ऐसे कुछ था। तो उस अकॉर्डिंग, अपने कार्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी गेम थे वो खेल लेने थे। तो फिर नेक्स्ट हमें ये क्लॉ गेम खेलने थे, जहाँ ये जो जकड़ने वाला मशीन था, इसी हमें टिकट को जकड़ लेना था जो भी हो। तो ये टिकट को जकड़ लिए क्लॉ गेम से, ये टिकट को पिक कर लिए, और ये इतनी ज़्यादा खुशी हुई हमें क्योंकि हमने ये 2 या 3 ट्राई के बाद ये करा था, तो मज़ा आया हमें। फिर ये लकी, तो फिर नेक्स्ट हम चले अपने अगले मिशन पर और देखते हैं अभी हमें क्या खेलना है। तो फिर हम सोच रहे थे अभी कि हमें क्या खेलना है, तब तक लकी का नज़र पड़ा उस टेडी बियर वाले क्लॉ गेम पर, तो उसे अब ये गेम खेलना था। तो फिर ईशानी से यहाँ समझा रहा था कि तुम्हें ये पकड़ना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसे पिक करना है, इतने सेकंड पे करना है, तो वो इसे समझा रहा था। तो ये फिर ये गेम खेलना स्टार्ट की, फिर देखते हैं ये टेडी पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है। तो फिर जो ये नीचे गया क्लॉ, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि क्लॉ से वो टेडी नहीं आ पाए, वो इतने ज़्यादा चिपके चिपके थे कि वो उठ ही नहीं पा रहे थे। हमारा मन तो बहुत उदास हो गया क्योंकि अगर मिल जाता तो टेडी मिल जाता। तो फिर ये नेक्स्ट ये गेम खेले, मज़ा ही आ रहा था बहुत ज़्यादा। अभी तो वैकेशन चल रही है, तो अब चाहो तो अब जरूर जाना और इन्जॉय करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमने ये गेम्स खेलने के बाद ये टिकट जीते, और टिकट के वैल्यू को हम अपने कार्ड में इंसर्ट करा रहे थे ताकि इससे हम शॉप एरिया से कुछ शॉप कर सकें। तो फिर इंसर्ट कराने के बाद हम पहुँचे शॉप एरिया में। यहाँ के सामान बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, हमें 600 या 700 हमारे पास पॉइंट्स बस बचे थे, तो हम इन पॉइंट्स से ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीद पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो भी सामान थे बहुत ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट्स के थे, और हमारे 600-700 में मिले क्या पाते हमें, तो हमने बस ये 2 ड्रिंक लिए क्योंकि बस इतना ही आए हमारे पॉइंट्स से। फिर हम घूमते घूमते बहुत ज़्यादा ये पूरा मॉल घूमे, मज़ा आया, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स थे। और हाँ, हमने फिर चस्पा भी कराया था जो कि बहुत मज़ेदार था, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस मॉल का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। तो फाइनली लास्ट में हम निकले वहाँ से और पूरा मॉल घूमे, कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी लिए जो कि मैंडेटरी होती है, और यहाँ का जो अद्भुत नज़ारा है देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।